नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। और हर बार की तरह इस बार भी हम इस शनिवार पहुंच गए हैं अपने खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम हर शनिवार को आते हैं और आप किसी ना किसी राजनेता की जो है कुंडली खंगालते हैं। और आज भी हम एक राजनेता की कुंडली खंगालेंगे और कुंडली जो है केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता जो है गिरिराज सिंह, उनकी कुंडली खंगाली जाएगी। और उनकी कुंडली खंगालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और ये जो है हर शनिवार को हमारे साथ मौजूद होते हैं और किसी न किसी राजनेता की जो है कुंडली खंगालते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनाव आने वाला है और पिछली बार जो है गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से कन्हैया कुमार को हराया था, तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर कि इस तरह की चीजें फिर से होंगी, क्या गिरिराज सिंह फिर से भारी पड़ेंगे बेगूसराय में? इंटरनेट पर जो इनका जन्म का विवरण है उसके अनुसार इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। अब कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ दशम भाव में एक बहुत अच्छे राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं। तो ये स्थिति एक सफल राजनेता की होती है। और वाणी के भाव में सूर्य और बुध का होना यह दिखाता है कि उनके वाणी में काफ़ी उग्रता है, उष्णता भी है, तो एक आक्रामक तेवर के साथ वो बात भी करते हैं। एक सफल राजनीतिक जीवन है। अभी उनकी वर्तमान में बृहस्पति की ही महासा चल रही है, जो कि 2014 से स्टार्ट शुरुआत हुई और 2030 तक, संभवतः 2029 तक रहेगी वो, तो वहाँ तक तो स्थिति की अच्छी है। और लगातार 2014 के बाद से लगातार मंत्री तो हैं ही, अभी भी मंत्री हैं। बड़े बड़े सांसद बनने के बाद जो घर परिवार संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता, समय थोड़ा कम दे पाते, तो इनकी कुंडली क्या बताती है कि ये इतना ही समय जितना राजनीति क्षेत्र में देती, क्या उतना ही समय अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाते हैं? राजनीति में समय तो ज़्यादा दिए हैं उन्होंने, लेकिन घर परिवार की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। वैसे एक अच्छा जीवन इन्होंने जिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो इनकी कुंडली है, कुंडली के हिसाब से गिरिराज सिंह क्योंकि काफ़ी कद्दावर नेता है, और मतलब क्या लगता है आपको कि इस बार इनको संसद में बैठने का मौका मिलेगा या फिर से जो बीजेपी है ये इनको झटका देगी? नहीं, संभावना तो प्रबल है कि ये अभी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कि जब से इनकी महादशा बृहस्पति का आरंभ हुई है तब से लगातार ये उन्होंने दो दो चुनाव जीता, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं और अभी तो 2029 तक ये महादशा रहने वाली है। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में भी क्या मोदी की जो कृपा दृष्टि है वो गिरिराज सिंह पर बनती नजर आ रही है? राजनीतिक क्षेत्र में अभी सफलता तो इनकी दिख रही है, चूंकि अभी महादशा इनकी बृहस्पति की ही चल रही है और ये 2029 तक तो है। अच्छा, तो संभावना तो है कि वहाँ तक राजनीति में सफल रहने जा रहे हैं, पार्टी की कृपा हो, नेता की हो, जो भी हो, लेकिन सफल तो ये रहेंगे अभी। तो क्या लगता है जनता इस बार इनको चुनकर संसद में बिठाएगी या फिर से झटका देगी? नहीं, संभावना प्रबल है जीत कर जाने का। अच्छा, संभावना है, प्रबल है जी बेगूसराय से, क्योंकि कन्हैया कुमार भी बार बार लड़ते हैं और अगर इस बार वो गिरिराज सिंह के ऑपोजिशन में खड़े होते हैं तो क्या लगता है कि कन्हैया कुमार का जो है कितना चांस कम है कि गिरिराज सिंह जीत जाएंगे? अब कन्हैया कुमार की जनकुंडली तो अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन इनके अनुसार से इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। अच्छा, काफ़ी उम्मीद बढ़ा है कि ये अभी वहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो गिरिराज सिंह का थोड़ा मतलब कुंडली के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता दीजिए कि वो किस स्वभाव के हैं। देखिए, ये चूँकि कुंडली का जो सर्वाधिक प्रमुख ग्रह है वो चंद्रमा है और वो बृहस्पति के साथ जो है दशम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बड़े समझदार किस्म के होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं। हालांकि वाणी के हाउस में चूँकि अग्नि तत्व राशि है सूर्य, तो उनके वाणी में काफ़ी उग्रता भी लिखी जाती है, तो और बुध के साथ बुद्धादित योग भी है, तो एक बड़े अच्छे वक्ता है, लेकिन थोड़ी आक्रामकता उसमें छुपी हुई है सूर्य के कारण। कुल मिला जो अगर ये कह सकते हैं कि एक बड़े समझदार किस्म के एक सफल राजनीतिज्ञ। अच्छा, जो गिरिराज सिंह है उनसे पत्रकार जाते सवाल पूछने में थोड़ा उनको झिझक होती है कि कहीं पलट के कुछ उल्टा सीधा ना बोले, तो इस पर क्या लगता है आपको कुंडली के हिसाब से क्या उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके जो गुस्से पे है कंट्रोल हो जाए? अरे वो एक कुंडली में ग्रह की स्थिति वैसी है, वाणी के हाउस में अग्नि तत्व राशि का बैठना और वो अग्नि तत्व राशि के स्वामी भी वहीं बैठे हैं सूर्य स्वयं, तो भाषा में उनकी उग्रता तो रहेगी। अच्छा, वो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, वो उनका स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक स्थिति है, तो उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? अच्छा, तो पॉलिटिक्स में तो
उग्र होना मतलब बहुत छोटी चीज हो गई नहीं, है। ये भाषा में उग्रता है, वैसे वो उग्र नहीं है वो। अच्छा। उनकी भाषा में वाणी जो है वाणी थोड़ी उग्र है। अच्छा। क्योंकि वहाँ अग्नि तत्व राशि। अच्छा। गिरिराज सिंह क्योंकि इतने समझदार और इतने दिग्गज नेता है, तो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए एनडीए की तरफ से क्या उनका कोई योग बन रहा है? क्योंकि जनता जो है, बिहार की जनता है, वो काफी उत्साहित है गिरिराज सिंह को लेकर। और मैं कई बार फील्ड में गई हूँ और जनता ऐसा बताई है कि अगर गिरिराज सिंह आते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर तो हम आंख बंद करके उनको वोट दे देंगे। तो क्या लगता है गिरिराज सिंह को इस होड़ में आना चाहिए? क्या कहती है कुंडली? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि लगातार वो मंत्री पद पर तो बने हुए हैं केंद्र में। वो कैबिनेट मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के बराबर का ही पद है वो। तो जब केंद्र में मंत्री वो बन सकते हैं तो राज्य में भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना प्रबल है। अच्छा। तो लेकिन स्पष्ट तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे, लेकिन मंत्री स्तर की सुविधाएं तो उनको मिलेगी अभी। अभी वो उस व्यवस्था में बने रहेंगे वो। तो अभी हमने बात की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बारे में, जिनके बारे में हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने कन्हैया कुमार को बेगूसराय से हराया था और किस तरीके से जो है वो सांसद बने थे और आगामी चुनाव में जो है किस तरह की संभावनाएं उनकी कुंडली में लिखा हुआ है। तो आज हमने इसी पर चर्चा की हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश के साथ। और अगर आपके मन में भी आपके भविष्य को लेकर कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में मिथिलेश जी से आप सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। और अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस पर हम फिर से चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी समस्याओं को रखें। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहें बिहार संवाददाता के साथ और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।